हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएसपी क्लासेज में। दोस्तों, आज की जो क्लास है ये राजस्थान जीके की क्लास है, जो कि राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवारी, हाईकोर्ट ग्रुप डी, रीट और राजस्थान के वे सभी अन्य एग्जाम दोस्तों जिनके सिलेबस में दोस्तों राजस्थान जीके का टॉपिक हो, उन सभी के लिए आज की क्लास महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और साथ के साथ कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है। अगर आपको गलत आता है तो गलत कीजिए, सही आता है तो सही कीजिए, लेकिन आंसर जरूर करना है, क्योंकि ये आंसर करने वाली हैबिट ही आपको दोस्तों एग्जाम में सिलेक्शन लेने में मदद करती है। अब बढ़ते हैं आगे टेस्ट की तरफ। आगे बढ़ने से पहले, जो चैनल पर नए विद्यार्थी हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और पास में लगा बेल बटन जरूर दबाएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2011 दोस्तों जनगणना की बात हो रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या है। दोस्तों पहले शुरू में बता देता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो जनगणना के आधार पर है। जनगणना के क्वेश्चंस रखे गए दोस्तों, जनगणना के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए जो एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं या आगे जो पूछे जाने के चांसेस है, उन्हीं क्वेश्चनों को दोस्तों आज के टेस्ट में शामिल किया गया है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और दोस्तों आंसर करें साथ के साथ। पहला क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान में जो अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या वो कितनी है। तो वो आपके दोस्तों ऑप्शन जो बी है, ये है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों आपको जैसे ये यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है तो इनको याद रखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, एक बार आपको पढ़ना है, क्योंकि चांसेज है एग्जाम में कि क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगर आपने एक बार पढ़ रखा होगा तो आप इसका आंसर कर सकते हो कि 2011 जनगणना के अनुसार जो अनुसूचित जातियों का दोस्तों कुल प्रतिशत है, जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है, वो आपके कितना हो जाएगा, वो आपके ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर 17.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जातियों की कुल ग्रामीणों की जनसंख्या कितनी है। दोस्तों यहाँ आपने देखा होगा कि कुल जनसंख्या पूछी गई थी, वो टोटल कुल संख्या, यहाँ कुल ग्रामीण जनसंख्या पूछी गई है कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि 95,36,963, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जो अनुसूचित जातियों ग्रामीणों का प्रतिशत है वो कितना है दोस्तों कुल। तो वो आपकी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हो जाएगा, वो आपके यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन जो सी दिया गया है, राइट आंसर 18.5। दोस्तों थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे होंगे आपको, लेकिन क्वेश्चन एक ही है, एक से रिलेटेड है, घुमा फिरा के आपको चार बार इसको क्वेश्चन को पूछा गया है और इसीलिए मैंने टेस्ट में शामिल किया ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। आगे भी दो तीन क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि जनगणना के अनुसार 2011 की जो अनुसूचित जातियों की कुल शहरी जनसंख्या वो कितनी है। तो कुल शहरी जनसंख्या आपको पता है दोस्तों कम ही होगी, जो आपके ऑप्शन बी लिखा है, राइट आंसर है 26,84,630, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों शहरी जनसंख्या की बात हुई है तो आपको पता हो जाना चाहिए कि शहरी प्रतिशत कुल जनसंख्या कितनी है। तो अनुसूचित जाति की जो शहरी प्रतिशत जो जनसंख्या है दोस्तों वो आपकी है ऑप्शन डी 15.7। आपको ये आंकड़े दोस्तों एक कॉपी में लिखने, टेस्ट खत्म होने के बाद ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, पीडीएफ से आपको देखना है और इनको याद करना है, क्यों एग्जाम में कंफर्म एक दो क्वेश्चन तो जरूर इनमें से पूछे जाएंगे। दोस्तों टोटल 15 क्वेश्चन है, 15 को आप याद कर लोगे तो आप एग्जाम में दो क्वेश्चन अपने, दो जो नंबर आपके कन्फर्म कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 जनगणना अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या है। दोस्तों यहाँ अनुसूचित जनजातियों की बात हो रही है, कहाँ की, राजस्थान में। अब आप कहोगे कि अनुसूचित जनजातियों का दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था, लेकिन यहाँ अनुसूचित जातियों का पूछा गया था दोस्तों और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है। तो अनुसूचित जनजाति का दोस्तों राजस्थान में आपके ऑप्शन बी राइट आंसर है कि 92,38,534 का राइट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, वीडियो को दोबारा देख ले फिर भी नहीं समझ आता तो पीडीएफ के माध्यम से आपको पढ़ना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत, दोस्तों फिर यहाँ पे प्रतिशत पूछा गया है, लेकिन यहाँ अनुसूचित जातियों का नहीं, अनुसूचित जनजातियों का पूछा गया है। तो अनुसूचित जनजातियों का जो प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा, वो आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, 13.5%, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2011 जनगणना अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है।
दोस्तों वही क्वेश्चन है, बस इतना है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, आपको अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस टेस्ट में मैंने आज शामिल किए हैं। तो यहाँ पे अनुसूचित जातियों की जो कुल ग्रामीण जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 86,93,123। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना अनुसार दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या पूछी गई तो उसका प्रतिशत भी पूछा जाना है, तो प्रतिशत आपके हो जाएगा 16.9। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार जब ग्रामीण जनसंख्या पूछी गई तो शहरी जनसंख्या कितनी होगी, तो शहरी दोस्तों आपकी हो जाएगी जो आपका 5,45,411। ऑप्शन सी दिया गया, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों शहरी जनसंख्या पूछी गई है तो प्रतिशत भी पूछा जा सकता है, तो प्रतिशत आपके हो जाएगा दोस्तों 3.2%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का वह जिला, दोस्तों अब थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है, वह कौन सा जिला है जहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है। अनुसूचित दोस्तों जाति की बात हो रही है ना कि जनजाति की, तो सर्वाधिक निवास कहाँ करती है, आपके जयपुर में करती है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या दोस्तों सबसे कम है, यहां पूछा गया था सर्वाधिक यानी सबसे अधिक, और यहां सबसे कम पूछा गया, तो सबसे कम आपके दोस्तों डूंगरपुर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और यहां पे अनुसूचित जाति की बात हो रही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 जो दशकीय है दोस्तों इसको माना जाता है 10 साल, सर्वाधिक वृद्धि कहां पर रही ये आपको बताना है, तो सर्वाधिक वृद्धि दोस्तों आपके बाड़मेर में रही। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 41.2%। पीडीएफ के लिए दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहां जाके उनको ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। राजस्थान एग्जाम्स की दोस्तों तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में लगा बेल बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।